एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का क्या रोडवेज um, प्रोजेक्ट आप एक रोड बना रहे हैं हाईवे वहाँ पे गांव है आसपास और आपको उस उदर, टाटा नैनो फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो जब वेस्ट बंगाल में, में आई थी तो उन लोगों ने लैंड एक्वायर करना था गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए था पर जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर था उस प्रोजेक्ट का एंड इट वुड बी अ बिग प्रोग्राम एक्चुअली तो सफल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको रिटालिएट किया कहा कि ये लोग हाँ हमारी ज़मीन ले लेंगे इट वॉज एट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अल्टीमेटली टाटा वालों को कोलकाता से चेंज करना पड़ा अपना इंडस्ट्री एंड दे केम टू अनदर स्टेट ऑफ इंडिया किसी कौन सी स्टेट पे गए थे आपको पता होना चाहिए एनीवे anyway, सो so, ये फर्क होता है स्टेक होल्डर मैनेज करने का um, तो कैसे मैनेज करें स्टेक होल्डर सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा किस स्टेक होल्डर का एटीट्यूड क्या है हमारी तरफ और इसके लिए जब हम प्लान करते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से देखते हैं कि कौन सा कौन सा स्टेक होल्डर क्या एटीट्यूड दिखा रहा है तो अलग अलग एटीट्यूड है स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू नो सेल्स पर्सन सो जनरली सेल्स वाले लोग अपनी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का एक हराकी ड्रा करके रखते हैं और जनरली उसमें लिखते हैं कि ये न्यूट्रल है ये बंदा रेड है ये बंदा ग्रीन है और ये ऐसे करके तो उससे पता चल जाता है जब भी उन्हें कोई सेल्स कंप्लीट करनी होती है कि इसके थ्रू जाएँ ये बंदे को तो टच करने में बड़ा प्राइम प्रॉब्लम लगेगा सिमिलरली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोगों को भी ऐसे सोचना चाहिए कि अरे कौन सा बंदा हमारे प्रोजेक्ट के लिए सपोर्टिव है कौन सा नहीं है हाउ डू वी हैंडल दैम दी इज कि प्रोजेक्ट ठीक से चले स्पाइट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ पीपल सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लोगों का एटीट्यूड क्या क्या हो सकता है सो so, कुछ लोग सपोर्टिव हो सकते हैं सपोर्टिव मतलब ग्रीन कलर ग्रीन मतलब Um, ये लोग जानते हैं प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट के um, आउटकम्स क्या हैं एंड दे आर सपोर्टिव वो बोलते हैं अच्छा है प्रोजेक्ट हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले लेना सो so, ये वाले लोग सपोर्टिव हैं कुछ लोग लीडिंग होएंगे लीडिंग मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ आप डार्क ग्रीन भी कर सकते हो कोई और कलर भी दे सकते हो मैंने भी पर्पल दिया लीडिंग क्या है uh, ये स्टेक होल्डर है जो स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि सपोर्टिव से भी आगे बढ़ के सो ऑन अ स्केल ऑफ लेट्स से इफ दिस इज द न्यूट्रल स्टेट इफ दिस इज न्यूट्रल ये न्यूट्रल है जीरो अगर वो पॉजिटिव है आपके लिए तो वो सपोर्टिव दिज आर कॉल्ड सपोर्टिव बट इफ दे वॉन्ट टू डू वर्क फॉर योर सेल्फ वो एक्टिवली आप उनको टास्क दे सकते हैं एक्टिव टास्क आप कह सकते हैं अरे मुझे आपके दो घंटे चाहिए ऑल हैंड्स में खड़े होने के लिए आप अवेलेबल हो तो जो ये वाले लोग हैं जो लीडिंग हैं दे आर अवेलेबल इनको आप प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो इनको टास्क एलोकेट कर सकते हो सो दीज आर कॉल्ड लीडिंग फिर कुछ स्टेक होल्डर होते हैं रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट मतलब उनका आपके प्रोजेक्ट के लिए अगर एटीट्यूड जीरो इज न्यूट्रल जस्ट कना पुट न्यूट्रल हियर जीरो इज न्यूट्रल ओके तो रेजिस्टेंट वाले इधर आते हैं रेजिस्टेंट इज दिस प्लेस सो ऑल ऑफ दिज पीपल आर कॉल्ड रेजिस्टेंट जिनका एटीट्यूड um, है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना रहे तो वो कुछ भी करेंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए गलत बोलेंगे लोगों को गलत बताएंगे फैलेसीज क्रिएट करेंगे तो इन लोगों को कैसे हैंडल करना है या इनको क्लोज करना है इनका कम्युनिकेशन कम करना है या कैसे इनको चेंज करके एटलीस्ट न्यूट्रल पे ले आया आप या कुछ करें तो ये भी लोग हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ेगा इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता, पता ही नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है दे आर कॉल्ड वाइट अन अवेयर इन्हें पता ही नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है अन अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट सो ये लोग अगर ये लोग रेजिस्टेंट वाले इनके पास पहले पहुंच गए तो ये गलत सुनना शुरू कर देंगे और ये शायद रेड कलर हो जाए तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको हैंडल करना है खुद जाके इनको टैप करना है और इनको ग्रीन कलर करना है सो so, सबसे ज़्यादा अनवेयर लोग जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं ये नहीं कि जो कोई भी है उसके उसको जाके अरे हमारा प्रोजेक्ट इतना अच्छा है ये नहीं बट याद है आपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए थे वो स्टेक होल्डर्स में जिन लोगों को नहीं पता आपका प्रोजेक्ट क्या है गो मीट दैम डू ऑल हैंड्स बड़ा प्रोजेक्ट है तो मीटिंग्स करिए मेमोज भेजिए उनको इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि लोगों को लगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है टाटा टेनो की बात कर लेते हैं लोगों को नहीं पता था क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं तो अगर मीडिया यूज़ करते और इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते गांव में जाके जो बड़े लोग होते हैं गांव के उनके साथ बैठक करते तो वो और उन्हें उनके फ़ायदे बताते तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट ग्रीन हो जाता प्रोजेक्ट चलता आगे पर क्योंकि ये जो अनवेयर लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था क्या होने वाला है इनको बजाय किसी ग्रीन ने टैप करने के लिए जो रेड कलर वाले लोग थे उन्होंने यहाँ गलत गलतियाँ बताना शुरू कर दिए तो बहुत सारा जितना भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स है सारे रेड हो गए हड़तालें होनी शुरू हो गई ये सब हो गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अन को ग्रीन करिए आप ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट में अगर अनअवेयर है अगर रेड है अगर ग्रीन है तो आपका कम से कम बहुत सारा लॉट ग्रीन हो जाएगा फिर रेड को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं सो दिस इज टाइप ऑफ स्टेक होल्डर एटीट्यूड टूअर्ड्स द प्रोजेक्ट इसको ड्रा करने के लिए आप ये असेसमेंट मैट्रिक्स ड्रा कर सकते हैं स्टेक होल्डर का नाम लिख सकते हैं और इनकी स्टेजेस लिख सकते हैं करंट इज़ आपकी स्टेज क्या है डी इज़ डिज़ायर्ड कि आप कौन सी स्टेज चाहते हो इसके अलावा आपको मैंने पहले भी स्टेक होल्डर रजिस्टर दिखाया था इसमें आप एक दो कॉलम कर लीजिए करंट स्टेट कलर दे सकते हैं लिख सकते हैं कोई और डिकोड वर्ड uh, लिख सकते हैं डिज़ायर्ड स्टेट अच्छा ये लिखने से तो बंदा नहीं हो जाएगा ना व्हाइट से ग्रीन नहीं हो जाएगा या रेड से ग्रीन नहीं हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टास्क लिखने पड़ेंगे हाउ वुड यू हैंडल दैम आप उनके साथ मीटिंग्स करोगे मीडिया पे कवरेज दोगे और सर्वेस करोगे बैठक करोगे मोहल्ला क्लिनिक करोगे क्या करोगे तो यहाँ पे आपको टास्क दिखने पड़ेंगे उसके बाद में फिर अगले हफ्ते फिर से आप आ, स्टेटस और पल्स चेक करेंगे कि अब क्या कलर हुआ अभी भी ये लोग मेरे लिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए रेड हैं या ग्रीन है क्या है और फिर आप स्टेटस देखते रहेंगे कि स्टेक होल्डर चेंज हुए नहीं चेंज हुए टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी ये काम नहीं कर रहा है दी मोहल्ला क्लिनिक्स आर नॉट वर्किंग तो चलो कुछ और करते हैं या बैठक काम नहीं कर रही है तो किसी और इन्फ्लुएंसर से मिल काम करते हैं तो कैसे करना है तो आप चेक करोगे कि आज की डेट में क्या है आपकी टेक्निक्स काम कर रही है कि नहीं कर रही और उसे चेंज करोगे सो दिस इज़ हाउ वी डू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट्स आप इसके बाद एक क्विज़ है आप वो क्विज़ करने के लिए या तो कोर्स खरीद सकते हैं ऐट कविता शर्मा डॉट नेट या फिर आप बुक खरीद सकते हैं पीएमपी स्टडी गाइड सीएपीएम स्टडी गाइड उसमें ये क्वेश्चन